आज हम एक नई कविता सीखेंगे। उस कविता का नाम है भोलू बंदरलाल। क्या नाम है? भोलू बंदरलाल। तो हमारी क्लास में एक भोलू बंदरलाल है, सबने देखा मेरा भोलू बंदरलाल से? यस, अभी तो है ये भोलू बंदरलाल बना है। अब इसने पता है क्या किया, ये एक बार दावत पे गया और इसने खाना इतना खाया कि ये बेहोश भी हो गया। ये लालची बन गया। किसको देखे? रसगुल्लों को देखे। किसको देखे? वो तैयार हो गए, इसको पार्टी में गया, ऊपर से इसने इतना रसगुल्ले खा डाले कि खूब रसगुल्ले खाए और फिर जब इसका पेट खराब हो गया तो क्या हो गया? चलो अब हम लोग इस मजेदार कविता को स्टार्ट करते हैं। भोलू बंदरलाल तैयार है? भोलू बंदरलाल, तो चलो भाई भोलू बंदरलाल के साथ हम एक कविता करेंगे, तो आप लोगों को उसको रिपीट करना है, ठीक है? रिपीट समझते हो ना? पीछे पीछे दोहराना है, खूब अच्छे से करना, ठीक है? तो हुआ क्या, स्टार्ट करते हैं। एक दिन सूट पहनकर बढ़िया भोलू बंदर लाल, एक दिन सूट पहनकर बढ़िया भोलू बंदर लाल, शोर मचाते धूमधाम से पहुंच गए ससुराल, शोर मचाते धूमधाम से पहुंच गए ससुराल, गाना गाया खूब मजे से नाचे बल्ले बल्ले। अरे गाना गाया खूब मजे से नाचे बल्ले बल्ले, लाल टपक पड़ी उनकी जो देखे खूब रसगुल्ले, लाल टपक पड़ी उनकी जो देखे खूब रसगुल्ले, खूब दनादन खाना खाया नहीं रहा कुछ होश, खूब दनादन खाना खाया नहीं रहा कुछ होश, आखिर थोड़ी देर बाद ही गिरे हुए बेहोश, आखिर थोड़ी देर बाद ही गिरे हुए बेहोश। बच्चों ये बताओ बंदर लाल कहाँ गया था खाने? दावत कहाँ पर थी? जब इसने रसगुल्ले देखे तो इसने क्या कर डाले? खा डाले, खूब सारे खा डाले और फिर क्या हो गया? बेहोश। अब बताओ कविता कैसी लगी सबको?